शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दवा काम करेगी, कभी कभी इलाज उल्टा भी पड़ जाता है। ऐसे में उसकी बची कुची याददाश्त भी जा सकती है और फिर उसे पूरी जिंदगी पागलखाने में गुजारना पड़ेगा। क्या क्या हुआ? स्वामी जी चल बसे। क्या? कल कुल देवी की पूजा के लिए इसे पहन के तैयार रहिएगा, कल हमारी शादी है दोबारा। अरे हमारे घर की पतो ऐसे मुंह उगाड़ के सूरज डूबने के बाद घर के बाहर क्या कर रही है? अरे बीवी जी, अरे आइए आइए। सही समय पर आई आप, आइए। ये देखिए। अरे देखिए क्या क्या तैयारियां हो रही है आपके लिए। ये पहन के तो आप कल कुलदेवी की पूजा में एकदम नई नवेली दुल्हन लगेंगे। क्या चला है आप पे? खैर आप पे तो सभी जचता है, लेकिन थोड़ा छोटा है ये, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, जैसे बेड़िया होती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास वो करता है जो मर्द और मेहरारू के बीच में बोलता है। मैं बीबी हमारी जैसा चाहेंगे वैसा कहेंगे। और हमारी बहन है वो। तुम्हारे घर में क्या बीवियों को बेड़ियों से बांध कर रखते हैं? कौन से सदी में जी रहे हो तुम जाहिल तरीके? साले हो साइड में रहो, नहीं तो क्या? उस दिन गोली नहीं चलाई थी हमने, अब की बार अगर हमारी बहन से बदतमीजी करी तो हमारे हाथ मरोगे तुम। ठीक है बेटा, हमें तुम रोक के दिखाओ। बंटी बंटी नहीं रहने दो। चलो नजरें नीचे, नजरें नीचे करो। चलो डांट दिया तुम्हारी बहन को सर से लेके पांव तक पेड़ियों से। अबे बीवी हमारी जैसे चाय वैसे रखेंगे, नजर झुका के और घूंघट के अंदर। और तुम्हारे में हिम्मत हो ना तो रोक के दिखाता हूं। कल ले चलेंगे तुम्हें डॉक्टर के पास याददाश्त वाली दवा खिलाने। इस उजड़ के साथ अब तुम्हें नहीं रहने देंगे हम। एक बार कल कुलदेवी की पूजा हो जाए उसके बाद तो इस साले को ठंडा हम करेंगे। शिबू ताज्जुब होता है हमें कि हमने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। क्या बनते जा रहे हो क्या गया है तुम्हें? एक तरफ तुम उसे बीवी बीवी कहते हो और दूसरी तरफ उसकी इतनी बेइज्जती करते हो। शिबू ठीक कर रहा है, जितनी बार वो रोएगी ना उतनी बार हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। चिंता मत कीजिए, संति की बार रोएगी है। आज इस शादी को ये नहीं मानती, लेकिन कल पूजा के बाद इस शादी को ये भी मानेगी और ये समाज भी। सामने ना एक
कभी आंसू नहीं बहाएंगे। भेड़िया पहनाना चाहते हो ना हमको? हम भी देखते कैसे पहनाते हो। इस छोटी शादी और घटिया तमाशे का तो खुलासा हम कल खुद करेंगे। और ये तुम्हारे किए की ऐसी सजा देंगे ना तुम्हें कि याद रखोगे तुम्हारा पाला श्रवणी केशव ठाकुर से पड़ा है। अरे भानु जी कहाँ जा रहे हैं? कुछ खाया पिया नहीं है। हम तुमसे कितनी बार कहें बाबू कहीं जा रहे हो तो हमको ऐसे ठोकर ना करो पीछे। अरे चाय तो पीते जाइए। हमें बहुत देर हो रही, बहुत जरूरी काम है जो पूरा करना है, चलो चलते हैं। जरूरी काम? ऐसा क्या जरूरी काम आ गया है? दुल्हन, अरे दुल्हन कहाँ गई? कुलदेवी के मंदिर जाना है, दुल्हन तैयार हुई? चलो बर्बादी का खेल शुरू। तुम्हारे बिटिया के ससुराल की पूजा है, हाँ? तुम लोग भी साथ में चलो। दुल्हन, हाय दुल्हन। क्या कर रहे हो? ये पूजा कैसे रुके? छुट्टी, बेटा जा। भाभी तैयार हुई है कि नहीं देखना। जी दादी, आते हैं। हेलो, हाँ मंडी, हम घर से निकल रहे हैं। हाँ पापा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सुनो, तुम भी जल्दी निकलो, बाहर मिलते हैं। बाय। भैया जी, भैया जी, हमारे लड़कों ने बड़के ठाकुर को ना शादी वाले मंदिर की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाते हुए देखा है। कहीं ये लोग सच जान गए तो? जानने दो। और वैसे भी आज हम दोबारा शादी कर रहे हैं कुलदेवी के सामने। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि पूजा खत्म होने तक ये लोग वहां पहुंचने ना पाए। उसके बाद ये लोग चिल्लाए, बवाल काटे, करने दो। ठीक है भैया जी, ध्यान रखना। देखो, लग रही है ना हमारे घर की दुल्हन। वाह, अम्मा जी ने हल्ला काट काट के हमको जगा डाला। और यहाँ दुल्हन के कान में तो जू तक नहीं रेंगती। सबने ना हमको परेशान करके रखा है। दीदी, दीदी भाग गई। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही जोड़े जोड़े पर लिखा है पहनने वाले का नाम। आज अगर दीदी की जगह हम कुलदेवी की पूजा में बैठ जाएं और शिवांश के साथ हमारी शादी हो जाए तो हमारा तो सपना पूरा हो जाएगा। और इस बच्चे को बाप का नाम भी मिल जाएगा। वैसे तो दीदी की शादी झूठ है, पापा तो ये साबित करके ही छोड़ेंगे। तो
तो हम क्या गलत कर रहे हैं? हम कोई गलत नहीं कर रहे। भाभी, हे भगवान, आज बड़ी शादी हो जाए बस। चलो बढ़िया है, हार मान गई और शादी के लिए तैयार हो गई। शम्मी, तुम तैयार क्यों हुई? शम्मी, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते बेटा। छोटी ठकुराइन, ये अभी हमारे घर का मामला है। भलाई इसी में है कि राजी खुशी तुम हमारे पूजा का हिस्सा बनो, नहीं तो यहीं रहो। हा? चलो शिबू, चलो। शर्मी का कन्यादान तो हम ही करेंगे। नेत्रा, ऐसे श्रवणी को अकेले नहीं छोड़ सकते, हमें जाना चाहिए। हाँ भाभी, चलिए। आप लोग एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या आप ये खतरा उठाने के लिए तैयार हैं? हाँ डॉक्टर साहब, हम तैयार हैं। आप बस हमारी बहन को वो याददाश्त वाली दवा का सबसे हाई डोज दे दीजिए। कुछ भी करके इसकी याददाश्त वापस आ जाए बस। आइए बेटा, यहाँ बैठिए कुर्सी पे। अरे आप तो बहुत अच्छी लड़की हैं, बैठिए। ओके, चलो बैठेंगे। बैठिए, वेरी गुड। बेटा आप अपना लॉलीपॉप मुझे दीजिए, मैं आपको नया लॉलीपॉप दूंगा। नहीं, देखिए आप गुड गर्ल है ना, दे दीजिए प्लीज। गुड गर्ल। कंजे अंकल। अच्छा अब आप एक काम करिए, दोनों हाथों को चेयर के यहाँ रखिए और उधर रखिए। हम नहीं रखो। अच्छा आपको लॉलीपॉप चाहिए ना? हाँ। तब आप अपना हाथ रखिए। हमें बांध क्यों रहे? यस, वेरी नाइस। बस बेटा आपको एक चींटी काटने जैसा दर्द होगा, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप जरा दूर हो जाइए, ये दवा के असर से ये छटपटाएंगी तो आपको चोट भी पहुंच सकती है। प्लीज हे देवी माई, हम अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं बस आपके भरोसे। बस उस रात क्या हुआ था हमें जानना है। हमारे पास है, एक बार हम पंडित को दिखा दे तो देखते हैं कैसे सच नहीं उगलेगा। सच बताएगा सब, ये बताएगा कि शिवांश ने क्या कहा था उसको। जाइए बड़के ठाकुर, अब आप सीधे कन्यादान के बाद ही उठेंगे।
ओम गं गणपते नमः विद्यावंतम यशस्वंत लक्ष्मीवंतम जनम गुरु रूपम देय जयम देय यशो देय दिशो जय आपदाम पदम तारम दातारम लो श्रवण तुम्हारी बर्बादी का मंत्रोच्चरण भी शुरू हो गया। अभी तक किसी को शक नहीं हुआ है। सिंदूर दान के वक्त खूंगत पूरा नहीं उठाएंगे। अब किसी तरह बिना हमारा चेहरा देखे शिवांश हमारी मांग भरते। बस काम समझो हो गया। उसके बाद जो तमाशा होना है हो जाए। डरता कौन है? हे देवी माँ, आपका दिया हर सुख दुख हमारी बच्ची ने मुस्कुरा के सहा है, लेकिन अब उसकी सारी जिंदगी दांव पे है। कृपा करिए। शवनी, हम हैं ना? डॉक्टर साहब, शवनी, 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 डॉक्टर, डॉक्टर इसे क्या हो रहा है? घबराइए नहीं, दवा का असर है। इसको तकलीफ हो रही है डॉक्टर साहब। देखिए, थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनको सब कुछ याद आ जाएगा और ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। शवनी, शवनी, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब, आप इन्हें कुछ याद दिलाने की कोशिश करिए, शायद उन्हें कुछ याद आ जाए। शवनी, शवनी, हमारी तरफ देखो। शवनी, केशव चाचू याद है? शवनी, तुम्हारा गुड़ खिलाना, तुम्हें याद है हमें कैसे गुंडों ने अगवा कर लिया था और फिर तुमने हमें बचाया था? याद करो शवनी, शवनी। इन्हें कुछ याद आ रहा है। वेट एंड वॉच, वो ठीक हो रही है। श्रवणी को बस अब वो रात भी याद आ जाए। श्रवणी, 21वीं बर्थडे के दिन कितनी खुश थी तुम। तुम्हारे साथ क्या हुआ था श्रवणी, याद करो। श्रवणी, श्रवणी, श्रवणी,
अभी हमारा बहुत जरूरी काम बाकी है। अब श्रृंगार करते हैं, पूरे 16 श्रृंगार। कोई हमें बाहर निकालो। हो गया काम, अब इसे आजाद कर दीजिए। जन्मदिन मुबारक हो श्रावणी। आप ही ने किया है ना ये सब? मैं सब याद आ गया है ताई जी। शर्म नहीं आई आपको इस तरह धोखे से हमारी शादी कराते हुए? तो ताऊ जी और बंटी भी आ रहे हैं, आपकी असलियत ना सबको पता चल के रहेगी। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।